बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद गैंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण और प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। धूबंधन थाना क्षेत्र के कसारी मसारी इलाके के 60 फीट रोड के पास अतीक अहमद गैंग से जुड़े आसिफ उर्फ दुर्रानी के अवैध रूप से निर्माण पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज करने की कार्रवाई की। धूबंधन थाना क्षेत्र के कसारी मसारी इलाके के 60 फीट रोड के पास ही लगभग 4 करोड़ की लागत से प्लाट एरिया, लगभग 400 वर्ग गज से बने अवैध आवास और दुकान निर्माण को 4 JCB मशीनें लगाकर जमींदोज किया गया। अपराधियों माफियाओं के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। ऑपरेशन नेस्ता नाबूद की इस कड़ी में आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण आसिफ उर्फ दुर्गानी के इस आवास को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। अतीक अहमद के सक्रिय सदस्यों में से एक आसिफ उर्फ दुर्गानी के इस आलीशान मकान को जमींदोज किया गया। बात की जाए आसिफ उर्फ दुर्गानी की तो दुर्गानी धूबंधन थाने का हिस्ट्री शूटर है और प्रयागराज के अलग अलग थानों में लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से आसिफ उर्फ दुर्गानी अतीक अहमद गैंग के लिए काम करता रहा है। विकास प्राधिकरण की माने तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए इस आलीशान भवन का निर्माण कराया गया था, जिसे विधिक कार्रवाई करते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अब तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण कुल 47 अवैध साम्राज्य को जमींदोज कर चुका है और आज ये 48वीं कार्रवाई करते हुए आसिफ उर्फ दुर्गानी के अवैध साम्राज्य को भी गिराया गया। ये सरकार द्वारा जो मुहिम छेड़ा गया है कि गुंडे अपराधी और गैंगस्टर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किया जाए, उसी क्रम में यह 47 कार्रवाई के पश्चात ये 48वीं कार्रवाई चल रही है। यह आसिफ उर्फ दुरानी एवं राशिद द्वारा जो अवैध रूप से ये लगभग 400 वर्ग गज में मकान बनाया गया था, इसका कोई नक्शा पास नहीं था, इसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। इसकी लागत जमीन सहित लगभग 4 करोड़ के लगभग होगी। क्या बताया जाता है, हिस्ट्री सीटर है ये हिस्ट्री सीटर है और अतीक गैंग से जुड़े हुए हैं और इनके कई बहुत सारे वारदात में इनके द्वारा वारदात जो है की गई है और विशेष जानकारी संबंधित थानों से जानकारी मिल सकती है पुलिस द्वारा जो है। पीडी अधिकारियों के मुताबिक ये राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है। उसी क्रम में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी माफिया हिस्ट्री सीटर सहित कई अपराधियों के खिलाफ और भी कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। पहले चरण में अहमदाबाद जेल में बंद सांसद बाहुबली अतीक अहमद और उसके गिरोह के 2 दर्जन से अधिक सदस्यों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बाद दूसरे अपराधियों के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया, जिसमें भदोही के ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, हिस्ट्री सीटर दिलीप मिश्रा, छोटा राजन गिरोह के शूटर बच्चा पासी राजेश यादव, इसके अलावा गणेश यादव, अशोक यादव सहित कई अन्य अपराधियों के खिलाफ अवैध निर्माण पर भी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल चुका है।